फ्लो चार्ट ऑफ चैप्टर ट्राइंगल्स फॉर क्लास 10 द सिमिलर ट्राइंगल्स. ओके, दिस इज ए फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मीन्स इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है वो सब दिया हुआ है. सबसे पहले ट्राइंगल्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं, कंग्रुएंट ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये सर. अब यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगल्स को दो पार्ट में पढ़ना है. एक तो सिमिलरिटी, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सेकेंड आएगा इससे रिलेटेड थ्योरम, थेल्स थ्योरम एंड सिमिलरिटी. ओके, तो पहले हम लोग शुरू करेंगे सिमिलरिटी क्या होती है. सिमिलर, सिमिलर फिगर किसको कहते हैं, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर. दोनों के शेप सेम होनी चाहिए लेकिन साइज डिफरेंट हो सकती है. जैसे टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, छोटा है और एक बड़ा है, वो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं. सेकेंड पॉइंट है, ऑल कंग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. सारे कंग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं लेकिन सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर जो फिगर हैं वो जरूरी नहीं है कि कंग्रुएंट हो. नेक्स्ट, टू पॉलीगन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर, सेकेंड पॉइंट है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. चलिए पहले सिमिलरिटी समझाते हैं. टू फिगर अगर दोनों की शक्ल एक जैसी, यानी जैसे लाइक दिस इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, दोनों की शक्ल एक जैसी है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर. ये सिमिलर का साइन होता है बीच में, सिमिलर. दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर. ठीक है, तो और इसमें कहा गया है कि टू कंग्रुएंट फिगर ऑलवेज सिमिलर, यानी दो कंग्रुएंट है तो कंग्रुएंट तो आप लोग जानते हैं कि अगर ये ट्राइंगल इसके कंग्रुएंट है तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं. लेकिन दो जो सिमिलर जो ट्राइंगल्स हैं या सिमिलर कोई भी फिगर है वो कंग्रुएंट हो ये कंपल्सरी नहीं है. जैसे यहां पर देखिए, अगर दोनों की साइड अगर सेम होती दोनों स्क्वायर्स की, ये दोनों कंग्रुएंट होते लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट. तो ये सिमिलर तो हैं लेकिन दोनों कंग्रुएंट नहीं है. कंग्रुएंट होंगे तो जरूर सिमिलर हो जाएंगे लेकिन सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कंग्रुएंट भी हो. और जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है टू पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स. जैसे दो पॉलीगन है, पॉलीगन तो हम लोग किसी को भी कह सकते हैं, स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, ये या तो दोनों में के बीच के एंगल सेम हो. जैसे ये एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल. या हम लोग कोई एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं किसी भी तरीके का, जैसे ये दो क्वाड्रिलेटरल हैं, अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, ये एंगल इसके बराबर है, ये यहां बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला इसके, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर. या तो एंगल बराबर हो या फिर अगर ये दोनों, एक ये छोटा है और ये बड़ा है, एंगल दोनों में सेम है लेकिन साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट. अगर इसकी ऑल साइड्स वन, ये टू सेंटीमीटर है, ये वन है, ये टू सेंटीमीटर है और ये वन सेंटीमीटर है, तो इसमें अगर ये साइड टू सेंटीमीटर यानी प्रोपोर्शन होना चाहिए वन बाई टू, ये टू है तो ये कितनी होगी, फोर सेंटीमीटर. यानी साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, ये दोनों आपस में सिमिलर कहलाएंगे. या तो सारे एंगल इक्वल हो और नहीं तो साइड्स में क्या होना चाहिए, एक रेशियो होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी ये दोनों फिगर क्या कहलाते हैं, सिमिलर. ओके, अब सिमिलरिटी के बाद आता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, क्राइटेरिया होते हैं कई सारे, जैसे ए ए क्राइटेरिया, ए ए ए क्राइटेरिया, ए ए एस एस एस, एंड ये होता है यहां पर एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया. ओके, तो तीन तरीके के क्राइटेरिया हैं, तीन नहीं मतलब बेसिकली ये दोनों सेम ही होते हैं, ए ए एंड ट्रिपल ए, फिर एस 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 एंड एस ए एस. तो सबसे पहले हम लोग यही क्राइटेरिया ही डिस्कस करते हैं. देखिए, ए, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल आर सिमिलर. अगर तीनों ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल हैं तो वो की सिमिलरिटी क्या कहलाएगी, ए ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन. सेकेंड, इफ इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर कोई दो भी एंगल आपस में बराबर हैं दो ट्राइंगल के, तो भी वो क्या सिमिलरिटी बन जाएगा, ए, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 होता है. अगर किसी भी दो ट्राइंगल के आपस में दो एंगल बराबर है तो थर्ड अपने आप बराबर होगा.
ठीक है। तो इसलिए ए ए सिमिलरिटी, अगर दो एंगल भी दिए हैं तो भी वो सिमिलर हैं आपस में, और अगर तीनों इक्वल हैं तो सिमिलर होगा ही होगा। नेक्स्ट है एस एस एस, साइड साइड साइड। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी मैंने दिखाया था एक फिगर में, अगर दो ट्राइंगल में अगर रेशियो सेम है तो भी वो आपस में क्या है, सिमिलर। और फोर्थ ये है, इफ वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन द सेम रेशियो यानी प्रपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखिए यहां डिस्कस करते हैं। देखिए ए ए ए मतलब दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और इसके दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। सपोज दिस एंगल इक्वल टू 40 डिग्री, सिक्स ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली अगर ये वाला आपका 80 डिग्री 60 एंड 40 डिग्री। अब इन ट्राइंगल्स का नाम है ए बी सी और इसको हम लोग कह देते हैं पी क्यू आर। अब यहां देखिए नेम में ही हम लोग क्लियर कर देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इससे क्या सिंबलाइज होगा कि एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, बी एंगल क्यू के है और सी आपका आर के है। अगर इन्हीं में से कोई दो एंगल दिए होते, सपोज देखिए दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज दिस एंगल इज 110 डिग्री और दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा कोई ट्राइंगल दिया हुआ है इसी तरीके का, उसमें भी ये 110 और ये 30 है, ये दोनों इसमें कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा, ए ए ए, और यहां पर कौन सा लग जाएगा ए ए, क्योंकि यहां पर हमको सिर्फ दो ही एंगल दिए हुए हैं। लिखेंगे एंगल सपोज ये ए बी सी और ये आपका पी क्यू आर, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड बी सी इक्वल टू आर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए ए क्राइटेरिया। देखिए ए ए अब एस 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 यानी एस 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 का मतलब है अगर साइड्स में एक प्रोपोर्शन है, ये दो ट्राइंगल हैं, बताया था कि रेशियो अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सपोज ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहां पर देखेंगे साइड्स में एक रेशियो है, ये देखिए पी क्यू आर। अब हम लोग यहां से देख रहे हैं ए बी अपॉन कौन सा पी क्यू सॉरी पी आर, ए बी एंड पी आर दोनों आपस में रेशियो में है 1.5/3, रेशियो इज 1/2। सिमिलरली बी सी बाई क्यू आर 1/2, ए सी अपॉन पी क्यू 1/2। अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखिए अब यहां पर हमको ध्यान देना है ए बी जो है वो पी आर के सिमिलर है, तो यहां पर नाम आ जाएगा पी आर क्यू नॉट पी क्यू आर, पी आर क्यू, क्योंकि ए बी अपॉन पी आर इज 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर 1/2 एंड ए सी अपॉन पी क्यू 1/2 रेशियो है, देखिए ए सी अपॉन पी क्यू, तो इसलिए यहां नाम में चेंज हो जाएगा ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू नॉट द पी क्यू आर। ओके दिस इज सिमिलर बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंड लास्ट क्राइटेरिया इज एस ए एस यानी टू साइड्स प्रोपोर्शनल एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल इज ऑल्सो इक्वल, सपोज दिस साइड इक्वल टू द 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखिए प्रोपोर्शन कर रहे हैं हम, दिखा रहे हैं आपको ये 1:3 का रेशियो, ये भी 1:3 का रेशियो, द इंक्लूडिंग एंगल 50 डिग्री, साइड्स रेशियो में है और उनके बीच का एंगल अगर बराबर है तो दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिया इज एस ए एस। तो ये हो गए आपके क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, 4 क्राइटेरिया बताए ए ए ट्रिपल ए एस 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 एंड एस ए एस। नेक्स्ट पॉइंट अब उसी क्राइटेरिया से आता है राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए यहां पर भी सिमिलरिटी होती है,
If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangle in both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and also to each other. देखो इसको मैं फिगर बना के बताती हूँ. ये कह रहा है इन ए राइट ट्राइंगल, दिस इज ए राइट ट्राइंगल 90 डिग्री. इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टू द हाइपोटेनस, देन द ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर एंड ऑल्सो दिस इज द थर्ड ट्राइंगल, जो बेस राइट ट्राइंगल है ये भी आपस में सिमिलर होगा. ऑन द बोथ साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड ऑल्सो टू ईच अदर, यानी यहां पर तीन ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं. ये पहला ट्राइंगल ये था, ये भी राइट ट्राइंगल है फर्स्ट, और ये जो राइट ट्राइंगल है दोनों, एक इधर और एक इधर, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर. ओके और आगे देखिए, आगे आपका पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम. इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. ये तो हमेशा से पढ़ी हुई है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस पे बनने वाला स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स. और इसी का कन्वर्स है, इफ इन ए ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, then the angle opposite to the first side is a right angle. This is converse. First में कहता है कि in a right triangle, this is a right triangle, sum of the squares of the hypotenuse. तो आप लोग जानते हैं hypotenuse क्या होता है, side opposite to the 90 degree. It means AC square equal to AB square plus BC square. यह है पाइथागोरस थ्योरम. अब इसका कन्वर्स कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड यानी एक साइड का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर अगर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब जो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल है वो एंगल भी क्या होगा, इज ए राइट एंगल. तो वो राइट एंगल ही हो सकता है. उसी केस में स्क्वायर्स का सम बड़ी लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. ये कन्वर्स है क्योंकि इसमें हमको राइट ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है, और इसमें राइट ट्राइंगल है तब ऐसा होता है. और कन्वर्स में क्या है, अगर ऐसा है तो वो जो एंगल है वो राइट एंगल होगा. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके कवर हो गए. अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे शुरू में हम छोड़े हुए हैं वो है थेल्स थ्योरम. ओके, थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. थेल्स थ्योरम क्या कहती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसी का कन्वर्स, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन ए सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. देखिए, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी हम लोग इसको कहते हैं बीपीटी, शॉर्ट में बच्चे यूज करते हैं बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अभी कहता है इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड अनदर साइड इट द लाइन पैरेलल साइड इंटरसेक्ट दीज टू पॉइंट्स D एंड E एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, AB को D पर काटती है और AC को E पर, देन द रेशियो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है, यही होगा. आपको क्या बोला था, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ये दो साइड हैं ये आपस में सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं. अब इसकी कोरोलरी में भी जाएंगे तो हम लोग ऐसे भी आते हैं, AD अपॉन AB यानी AD अपॉन AB होल पार्ट इक्वल टू AE अपॉन AC. फिर इसका और इसको हम लोग रेसिप्रोकेट भी कर देंगे, BD अपॉन AD
ये सब करलरी हैं इसकी, हम लोग इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन थ्योरम यही है। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है, इफ ए लाइन, अब ये कह रहा है इफ ए लाइन, जैसे सपोज ये ट्राइंगल है, इसमें कोई ये लाइन दी हुई है ए बी सी, अब उल्टा हो जाएगा इसका, इफ ए लाइन, ये लाइन डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, यानी ए डी इक्वल टू बी डी रेशियो में अगर काट रही है सेम रेशियो में है ए ई अपॉन ई सी, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर ये सेम रेशियो में काट रही है तो इट मीन्स जो गिवन लाइन है डी ई पैरेलल टू द बी सी, तब ही पैरेलल हो सकती है जब ये इनको इक्वल रेशियो में काट रही है। ओके, ये कन्वर्स है और ये बेसिक थ्योरम है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये भी एक थ्योरम है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो है वो साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। अगर हमको दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, तो जो एरियाज का रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये स्क्वायर्स के साइड के रेशियो के बराबर होता है, इट मींस ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, और तीसरी साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के ही रेशियो के बराबर होता है। और इसी से हम लोग आगे निकाल लेते हैं कि मीडियन के स्क्वायर्स का रेशियो के भी बराबर होता है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर्स के भी रेशियो के बराबर होता है ना। इसी तरीके से पेरीमीटर जो होती है वो ट्राइंगल की, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका जो रेशियो होता है दोनों की पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर डी ई एफ आएगा, डी ई एफ। तो ये साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के भी रेशियो के बराबर होता है, पेरीमीटर होती है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होती है, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ। ओके, यही इस चैप्टर के बारे में है, फाइनल यही आप लोग का फ्लो चार्ट है। इस चैप्टर में इतना ही थ्योरम्स दी हुई है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ओके.